हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी के सभी। तो वेलकम है अपनी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आखिर कौन कम बैक करने वाला है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके कर लो, बेल आइकन प्रेस कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते, आज की वीडियो अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। आखिरकार मेरा प्लान काम करता हुआ दिख रहा है। मैं जल्दी ही उन लोगों को भी वापस ला पाऊंगा जो कभी मर चुके थे, मगर इसके लिए मुझे एक जने की पेटी चाहिए होगी जिसके डीएनए की मदद से ये काम हो पाएगा, पर वो हमें अभी तक कहीं भी नहीं मिली। डॉक्टर मैड, आपके लिए एक बुरी खबर लाया हूँ। अब क्या बुरी खबर लाए हो? अरे ये क्या, आप पे किसी ने अटैक किया क्या? वो पेटी किसकी है? हैं क्या? ओ अच्छा अच्छा, ये तो एक पुराने वॉरियर की बेटी है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तुम आगे बोलो, क्या कह रहे थे? दरअसल जो जोकर के बेटे का ब्लड लाने वाला था उसकी पेटी बना दी गई है, और पेटी बनाने वाला और कोई नहीं, उसी की साथी थी जो उसके लिए काम करती थी। ये क्या कह रहे हो, उससे तो मेरी बात हुई थी, उसने कहा था कि वो सही सलामत यहाँ पहुँचा देगा। हाँ वो लेके आ ही रहा था, मगर उसी की साथी ने रास्ते में उसकी पेटी बना दी और वो ब्लड सैंपल भी डिस्ट्रॉय हो गया। मुझे इस पे यकीन ही नहीं करना चाहिए था। वैसे एक और बुरी खबर है, जो हमारी जी क्लैन का मेंबर मेरा मर गया था फैरो के बेटे का ब्लड लेने, वो भी मारा जा चुका है। अब वो कैसे मारा गया? दरअसल वहाँ पे फैरो पहुँच गया था और उसने उसकी पेटी बना दी। इस फैरो को तो बाद में देखूंगा, पहले इस जोकर के बेटे का ब्लड लेना है मुझे, और इसके लिए मुझे कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, लो एक आइडिया भी आ गया। कौन सा आइडिया बॉस, मैं समझा नहीं कुछ। इस बार हम अपने काफी खास आदमी भेजेंगे जो इस काम को काफी अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। आखिर इधर हो क्या रहा है डॉक्टर? अरे तुम्हारा ही तो इंतजार था, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। लगता है इस बार बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। क्यों डॉक्टर? अभी मैं तुम दोनों को ही याद कर रहा था, तुम दोनों के लिए एक मिशन है। हाँ मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं कार्लो को लेके यहाँ पे आ गया। तो बताओ डॉक्टर, आखिर हमारा मिशन क्या है? दरअसल जो मेरे लिए जोकर के बेटे का ब्लड लाने वाला था उसकी किसी ने पेटी बना दी है, और ये काम मेरा रुक गया है। तो इसलिए तुम्हें करना ये है कि जाके सबसे पहले उस लड़की को ढूंढो जिसने उस बंदे को मारा, और दूसरा काम उस जोकर के बेटे का ब्लड लेके आओ कहीं से भी। ठीक है, फिक्र मत करो, ये काम हो जाएगा। कार्लो, तुम जाके उस लड़की को ढूंढो जिसने उस बंदे की पेटी बनाई है, और उसको किसी भी तरह यहाँ पे लेके आओ। और रॉकी, तुम जाके उस जोकर के बेटे का ब्लड लेके आओ कैसे भी। ठीक है, हमें बस कुछ टाइम दो, ये अलग काम तुम्हारा हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे, अब अपने काम पे लग जाओ तुम दोनों। आपको पक्का यकीन है ना कि आपके दोस्त यहाँ पे रहते हैं? हाँ जगह तो यही है, वो काफी टाइम से अब यहीं पे रह रहा है। चलो अंदर चलते हैं। ये जगह तो काफी बढ़िया है और काफी बड़ी भी, मगर पापा यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, आखिर है कहाँ सब? होगा यहीं कहीं आसपास, अभी आ जाएगा, थोड़ा सब्र रखो तुम लोग। इतनी बड़ी जगह में आपके दोस्त अकेले रहते हैं, हैरानी की बात है। हाँ उसे अकेला ही रहना पसंद है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये हैं आपके वो फ्रेंड? मैजेस्टिक, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए, कैसे हो? मैं बढ़िया जोकर, तुम बताओ कैसे हो? काफी सालों बाद मिल रहे हैं हम। ये क्या, तुम्हारा लड़का तो काफी बड़ा हो गया पहले से, और तुम्हारी एक बेटी भी हो गई, ये तो काफी अच्छी बात है। तुम अभी भी पहले की तरह जवानी दिख रहे हो मैजेस्टिक, तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ती ना? हाँ ऐसा ही है, मुझे कोई देख के बता सकता है कि मैं कई सौ सालों का हूँ? हाँ सही कहा तुमने। वैसे मैजिस्टिक, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हेल्प? कैसी हेल्प? दरअसल मैं अपने दोनों बच्चों को इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि इन्हें कुछ तुम
सिखा पाओ, क्योंकि इनको कुछ भी आइडिया नहीं बाहर की दुनिया का, और जो इनके पास शक्तियाँ हैं वो भी इनको अच्छे से यूज करना नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम इनकी मदद करो इस चीज में। ओ, अब समझा मैं। तो इनको अपनी पावर्स यूज करना अच्छे से नहीं आता, और बाहर जो कभी कभी हालात बन जाते हैं उनसे कैसे निकला जाए वो भी इनको नहीं पता। वैसे अंकल मैजिस्टिक, मैं पावर बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाता। ऐना थोड़ा बहुत यूज कर भी लेती है, पर मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाता। फिक्र मत करो, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम दोनों को। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? देखो तुम दोनों मुझे अंकल मत बोलो, मुझे मैजिस्टिक बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर इन दोनों बच्चों को मैं अब तुम्हारे हवाले करता हूँ, तुम इन्हें अच्छे से सब कुछ सिखाओ। फिक्र मत करो जोकर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जितना मुझसे हो पाएगा। ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना बच्चों, मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखना और मम्मा का भी। बाय पापा, आप अपना ख्याल रखना और माँ का भी। ठीक है बच्चों, फिर मैं चलता हूँ अब यहाँ से। बच्चों अपना ख्याल रखना, हम फिर जल्दी मिलेंगे। इस कातिल को ठिकाने लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे अब यहाँ रहना चाहिए। वैसे तो ये मैप मेरा घर है, लेकिन अब वक्त आ गया है इसे छोड़ने का। कुछ टाइम के लिए मुझे ये मैप छोड़ना ही होगा, वरना वो जी क्लैन वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये तो तुमने सही कहा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले वो लोग तुम्हें। अब ये कौन है? अरे इतनी जल्दी भूल गई, अभी तो तुम हमसे बच के भागने की बात कर रही थी। तुम यहाँ छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे, आखिर तुम हो कौन? दरअसल मेरा नाम कार्लो है, और मैं जी क्लैन से हूँ, और यहाँ पे तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूँ। ओ अच्छा, तो तुम मुझे पकड़ने के लिए इतनी जल्दी पहुँच भी गए। वैसे मुझे पता चला वो बंदा जो डीएनए लाने वाला था, तुमने उसे तो ठिकाने लगा दिया, मगर उस ब्लड का क्या हुआ? किया क्या मतलब, उसके साथ साथ वो ब्लड भी मैंने खत्म कर दिया। ओ अच्छा, फिर तो अब तुम्हारे लिए काफी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है लड़की। ओह प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आदत हो चुकी है तुम जैसे मकोड़ों को फेस करने की। मुझे अपना एक्सूट मत दिखाओ, बस ये बताओ कि चुपचाप मेरे साथ चलोगी या फिर जबरदस्ती पकड़ के ले चलूं? मुझे पकड़ कर ले जाने की तो वो तो नहीं हो पाएगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। सच में फास्ट तो है ये। हाँ, अब कहाँ गया ये, अभी तो सामने ही खड़ा था। अरे उधर कहाँ देख रही हो? हेलो इधर। हाँ। इधर इधर देखो, मुझे लगा काफी टाइम लगेगा तुम्हें उठने में, सोचा कुछ खा पी लूं। ये कोई मजाक चल रहा है क्या? अब लग रहा है कि तुम ठीक हो। मुझे लगा था कि मैं इसे आसानी से हरा सकती हूँ, लेकिन ये तो काफी पावरफुल है। ये तो बस शुरुआत है लड़की। अब ये कहाँ गया अचानक? ये क्या, ये कहाँ गई अचानक, अभी तो यहीं सामने थी।
इतना आसान समझ लिया क्या तुमने मुझे हराना? मुझे और पावर्स लगानी होगी ताकि ये आराम से हार जाए। हाँ तो फिर लगाओ ना, देखते हैं तुम्हारी पावर्स भी। बहुत हो गया, अब तुम गए मेरे हाथों से। ठीक है तो लगाओ अब अपनी पूरी पावर। चलो फाइनली, आखिर तुमने हार तो मान ली। वैसे एक बात तो है, पावरफुल हो मगर इतनी भी नहीं कि मुझे हरा पाओ। पता नहीं ये एक्सूट की पावर तुम्हें कहां से मिली, मगर इसको देखकर डॉक्टर काफी खुश होंगे। तुम्हें तो देख लूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ देख लेना जब वहां पहुंच जाओगी। चलो अब निकलते हैं यहाँ से, काफी लेट हो रहे हैं। तो गाइस वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना। और जिन जिन भाई लोगों ने इस वीडियो में हेल्प करी है भाई सभी का थैंक यू वीडियो में काम करने के लिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा मैं, तो वेट करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।